अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त नॉर्थ आनाबाद ब्लॉक ए में मौजूद हूँ, दिलपसंद स्वीट्स के पास। यहाँ पर हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई इरफान साहब, जो कि यहाँ पर एक ये रेडी लगाते हैं, इनके बारे में मैं कुछ आपको मालूमात फराहम करूँगा कि आजकल ये जो फ्रूट वाले हैं किस मुश्किल से दो चार हैं। आइए तो हम इरफान भाई से मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र, आप सुना क्या हिसाब दे रहे हैं भाई? बस 150 रुपये ये 150 रुपये दर्जन 150 रुपये दर्जन अच्छा, वैसे तो हैदराबाद में किलो के हिसाब से मिलता है ना? हैदराबाद सिटी में, मुल्तान वगैरह में किलो के हिसाब से मिलता है, यहाँ पे तो ये किस हिसाब से लाते हैं, आपको क्या प्रॉफिट होता है? सर अभी तो मंडी में जो ये किन्नू है बहुत महंगा है इस टाइम, अभी तो दूसरा ये है कि कारोबार भी बहुत मतलब कि स्लो हो गया है, बहुत सेल बहुत कम हो गई है, तो अभी तो रेट टू रेट ही बेचना पड़ता है, पाँच 5-10 रुपये मार्जिन होता है, 5-10 रुपये 15 रुपये से ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, 5-10 रुपये एक दर्जन पे, दर्जन पे इससे ज़्यादा। ये किस तरह आप सारा दिन पूरा सारा दिन फिर अल्लाह तवक्कल चलते हैं, क्या करें? अच्छा 80 रुपये। अच्छा, तो किस तरह से आप रूटीन क्या है आपकी, किस तरह सुबह निकलते हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? मुश्किलात तो आजकल सबसे बड़ी मुश्किल तो आजकल जो ठेले वाले को लिए है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब के अभी अहकाम आते हैं कि ये ठेले पथारे वगैरह फुटपाथों पे, क्योंकि हम गैर कानूनी तरीके से खड़े हैं, कानूनी तो है नहीं, गैर कानूनी है तो हाँ, ये लाजमी बात है, हम गैर कानूनी तौर पर खड़े हुए, तो सबसे पहला मसला यह है कि कोई जगह नहीं मिल रही लगाने की, जगह की बहुत मतलब कि अगर कोई एक ऐसी कोई जगह मिल जाए लगाने की, कोई सेफ जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाए, ताकि ये जितने भी कराची में ठेले वाले हैं उनके मसले मसाइल, मार्केट है बनी हुई हर इलाके में, आप वहाँ क्यों नहीं? वहाँ भी प्रॉब्लम यही चल रही है, वहाँ मार्केटों में भी प्रॉब्लम है, हर जगह पर तकरीबन अभी इस टाइम तकरीबन पूरे कराची में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि है ना गैर कानूनी है ना ये सब, गैर ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर खड़ा हूँ, तो ये मेरे ख्याल में कानूनी तो नहीं है, ये सब गैर कानूनी है। नाज़िर साहब, माज़र मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि आप ज़ाहिर फैमिली को सपोर्ट करते हो, तो सारा दिन आपका यही एक बिजनेस है, तो पूरा दिन आप काम करते हैं, तो आपको कितनी बचत हो जाती है? मैं सर सुबह तकरीबन 9 बजे मतलब कि हमारा शुरू हो जाता है काम, और रात को यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 बजे मैं जाता हूँ, तो अभी बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी इस टाइम 600-700 से ऊपर कहानी नहीं बढ़ती है, क्योंकि सेल ही नहीं होती ना आज तो तकरीबन, हाँ 600-700 रुपये बचते नहीं है, ये भी समझो कि हम मंडी वाले के पैसे रोक के, क्योंकि माल आज मैंने 13,000 का लिया है, सही है, अभी उसका ये 13,000 का बिकेगा तो उसके बाद मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा ना, फिलहाल अल्लाह खैर कर। आपको चले जी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे जो इरफान भाई हैं इनके फ्रूट आप जल्द से जल्द खरीदें, और ताकि जल्द से जल्द घर पहुंचा करें, 3 बजे रात को पहुंचते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जज़ाकअल्लाह।